अंबाला पुलिस अपराध पर लगाम कसने में तत्परता दिखा रही है। वारदात को सुलझाकर अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में अब देरी नहीं कर रही। 17 जुलाई तड़ते लूट की वारदात को सुलझाने में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भी कैमरे के सामने अपनी गलती मान रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तड़के मंडी जाने वाले 2 आड़तियों से नकदी लूटने की वारदात को 4 से 5 लुटेरों ने अंजाम दिया था, जिनमें से 3 लोगों को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिया है। बाकी सब जानकारी के लिए आइए जानते हैं कि पुलिस का और अपराधियों का क्या कहना है। मानव, एक मिनट रुक जा। मालिक, कैमरा। हाँ बोल, नाम क्या है? मानव। मानव, हाँ, क्या किया है तुमने? हमने वारदात करी है। क्या? रामबाग रोड पे खोबाजी। किस तरह की और क्यों आया मन में काम करने? बस नशे के अंदर हो गई। क्या वारदात किया? कितने पैसे लूटे और क्या? 3500 रुपये लिए थे जी। मारा मुरा भी है तो छुट्टी वगैरह? नहीं जी, मारा मुरा तो है नहीं जी, पैसे खोए थे जी। कहाँ के रहने वाला? कैंट का, डायमंडी का जी। कहाँ पे करी थी लूटपाट? रामबाग रोड पे जी। पहले भी कभी की है ऐसी वारदात? की है जी। कितने बजे? तब भी नशे में करी थी। कितने बजे की थी? कहाँ पे की थी और कहाँ का की है? समय बस एक ही जगह करके रामबाग रोड पे जी। कितने बजे की है ये? 2:45 के करीब है जी। क्या कर रहे थे 3 बजे तुम? राजा नाम जी, पंजाब के रहने वाले हैं। हमको लड़का लेके आया था, हम पे नशे में पता ही नहीं लगा, बस नशे पते में काम हो गया। क्या क्या काम हुआ? क्या वारदात की? खोबाजी कर दिया थी। कितने लोग थे जिनको लूटा तुमने? 2 लोग थे बस, उससे बस नहीं पता। कुछ मारा मुरा हथियार? कुछ नहीं मारा उससे। ये बात जो है ना 17 तारीख की है, मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की। जो हमारे अम्बाला कैंट सब्जी मंडी है, बिड़ी फ्लोर मिल के ये बंदे हैं जो रहने वाले थे, ये अपने कारोबार के लिए अम्बाला कैंट सब्जी मंडी जा रहे थे। तो बीच में जो रामबाग पड़ता है उसके रामबाग रोड पे जो 3 बंदों ने इनका रास्ता रोक दिया इनसे, और इनको उन्होंने चोट भी मारी है उनको, तो उनसे उन्होंने लूटपाट करी। कुछ पैसे हैं, कुछ उनके मोबाइल हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। कहाँ के लोग हैं ये सारे और उनको कैसे ट्रेस किया? नहीं देखिए, जैसे हमें सूचना मिली तो हमने फिर तुरंत इसमें अपनी, मैंने 2-3 टीमें इसमें गठित की हमारे SP साहब के आदेश के अनुसार। तो ये जो पवन है, एक अवधेश है जो हमारे शिकायत करता है, बीडी फ्लोर मिल के पीछे रहते हैं, तो वो इन लोगों को नहीं जानते थे ना, मैंने पहले कभी देखा था। तो हमने उनकी जैसा इन्होंने उनका हुलिया बताया, उनसे बातचीत करेगी, तो उनसे मौका मुआयना हमने किया इस सारी चीज़ों को लेके। तो वहाँ हमने CCTV भी चेक किया, एक दो में फुटेज भी मिली है, जिसके आधार पर इनको फिर हमने आइडेंटिफाई कराया। आइडेंटिफाई कराने के उपरांत हमने भी इसमें 20 तारीख एक बंदे, एक मानव उर्फ बोखड़ उसका नाम है, जो डेया मंडी का रहने वाला, उसको अरेस्ट किया था। तो उसको अरेस्ट करने के उपरांत हमने उसको 3 दिन का पुलिस रिमांड किया। पुलिस रिमांड के दौरान अभी अभी 2 लोगों के और नाम सामने आए हैं जो पटियाला के रहने वाले, अभी इनको अरेस्ट किया गया। बाकी जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और गंभीरता व गहन साथ पूछताछ की जाएगी, जो भी आगे तथ्य होंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस रोड पे ज़्यादा लूटपाट की घटनाएं अक्सर होती रहती है, यही टाइम होता है लूटपाट? नहीं देखिए, अक्सर तो आप कह रहे हैं, तो आपको किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन अक्सर नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी पेट्रोलिंग प्रॉपर हमारी पेट्रोलिंग रहती है, और जो वारदात हमें एक दो हमारे संज्ञान में है, उन पे कार्रवाई हुई, और हमने पूरी गंभीरता से उस पर पायलट पेट्रोलिंग भी लगा रखी हमने। और अभी ये जो वारदात हुई है इसको हमने समय रहते जल्दी ट्रेस भी किया हमारी टीम ने, और इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया, बाकी भी रिकवरी की जाएगी। ये कितने पैसे जो है इन्होंने लूट करी थी? नहीं देखिए, अभी हम मुताबिक FIR और जो ये कहते हैं जो उसमें है 20 से 22 हज़ार की जो बात कही जा रही है, FIR में तो लिखवा है। बाकी अभी पूछताछ का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो चीज़ें सामने उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बड़े तेजी से पुलिस काम कार्रवाई कर रही है, जल्दी ट्रेस भी कर रही है, क्या मानिए? नहीं देखिए, ये तो पुलिस का काम है गंभीरता से। हीनियस क्राइम, हमारे SP साहब इसमें बड़े सीरियस होते हैं इन बातों में, तो उन्होंने 2-3 टीमों का गठन किया। तो हमारे मंत्री जी के भी आदेश हैं इसमें के भी शिकायतकर्ता की तुरंत कार्रवाई हो, जो मंत्री जी के जैसे अनुसार 112 जो अभी शुरू किया गया, बड़ी उसके भी उसकी उससे भी हमें काफ़ी मदद मिल रही है इन चीज़ों में। तो मंत्री जी ऐसी चीज़ों में हमें जो चाहिए हम बताते, सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी, तो कार्रवाई की जा रही है। जैसे ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।